हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 की, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे तथ्य को, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि तथ्य होता क्या है। अगर तो मैं बात करूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 की, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट के विषय में प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है तथ्य के विषय। सेक्शन 3 में जो तथ्य के विषय में प्रावधान किया गया है, इसको डिस्कस करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तथ्य है क्या, तथ्य कहते किसे हैं, फैक्ट क्या है। कोई भी ऐसी चीज जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसका अस्तित्व है, वो क्या है? तथ्य है। आपने विधि शास्त्र को पढ़ा होगा, जुरिस्प्रूडेंस को पढ़ा होगा, तो उसमें एक जुरिस्ट हुए हैं बेंथम। बेंथम ने फैक्ट का क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरी में किया, यानी कि बेंथम ने तथ्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया, 2 भागों में बांटा, भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य। बेंथम के द्वारा जो क्या गया, ये क्लासिफिकेशन है, इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अडॉप्ट किया गया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि बेंथम ने जो तथ्यों को 2 भागों में बांटा था, बेंथम के वर्गीकरण को ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में जो तथ्य की परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा में अडॉप्ट किया गया है, ग्रहण किया गया। और जब मैं बात करूं सेक्शन 3 की, तो यहां पर फैक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो फिजिकल फैक्ट जिसे बोलेंगे हम भौतिक तथ्य, ये है क्या। जब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं फैक्ट की, तो वो कहती है कि ऐसी कोई भी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, यानी कि कोई भी ऐसी थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम परसीव कर सकते हैं अपनी सेंसेस से, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा। जैसा हम जानते हैं कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, कान, आंख, नाक, जिह्वा और हमारी त्वचा। यानी कि ऐसी कोई भी चीज जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपनी सेंसेस के द्वारा परसीव कर सकते हैं, वो क्या है? तथ्य है। जैसे हमारी एक सेंसेस है आईज, आंखें। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम सुन सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम सूंघ सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, तो ये क्या है? तथ्य है। यानी कि भौतिक तथ्य वो है कि जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी सेंसेस के द्वारा परसीव कर सकते हैं। हमने फिजिकल फैक्ट को देखा, अब हम देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट को, यानी कि मेंटल फैक्ट को, और इसको इंटरनल फैक्ट भी कहा जाता है। इसमें कहा कि ऐसी कोई भी दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो हमारे कॉन्शियस में, वो क्या है? मेंटल फैक्ट है। लेकिन जो मेंटल कंडीशन है, मानसिक दशा है, उसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं हो सकता, उसका प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह कहा जाता है कि इंसान के मस्तिष्क को सैतान भी नहीं जान सकता कि इंसान के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। और मेंटल फैक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी मेंटल कंडीशन, कोई भी ऐसी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। यानी कि फिजिकल फैक्ट को तो हम अपनी सेंसेस के द्वारा परसीव कर सकते हैं, लेकिन मेंटल फैक्ट जो कि एक इंटरनल फैक्ट है, जो हमारे मस्तिष्क में रहता है, फिजिकल फैक्ट का डायरेक्ट एविडेंस दिया जा सकता है, लेकिन जो मेंटल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मानसिक तथ्य है, फिजिकल फैक्ट का डायरेक्ट एविडेंस दिया जा सकता है,
लेकिन जो मेंटल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मानसिक तथ्य है, इसका जो है डायरेक्ट एविडेंस नहीं दिया जा सकता। फिर हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको या तो कन्फेशन के द्वारा या सर्कमस्टांशियल एविडेंस के द्वारा प्रूव करेंगे। फोर्थ एग्जांपल समझ लीजिए, ए जो है ए बी के ऊपर एक पिस्तौल डालता है। ए जो है बी के ऊपर क्या करता है, एक पिस्तौल डालता है, के कान पर जो है पिस्तौल लगा देता है। तो कान पर पिस्तौल लगाना ये क्या है, एक फिजिकल फैक्ट है, एक भौतिक तथ्य है, यानी कि जिसको देखा जा सकता है। ए का बी के कान पर पिस्तौल लगाने के पीछे इंटेंशन क्या है, आखिर वो क्या कारण है कि ए ने बी पर जो है पिस्तौल डाला, ये एक मेंटल फैक्ट है, ये एक मानसिक तथ्य है जिसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं दिया जा सकता। बल्कि इसका जो एविडेंस दिया जा सकता है, इसका एविडेंस हो सकता है या तो ए का कन्फेशन, ए कन्फेस करे, ये स्वीकार करे कि उसने बी के ऊपर जो है इसलिए जो है पिस्तौल डाला, या बी के कान पर क्यों रिवॉल्वर उसने लगाया, या इसका सर्कमस्टांशियल एविडेंस दिया जा सकता है, इसका परिस्थिति जन्य साक्ष्य दिया जा सकता है, जैसे ए और बी की पहले से ही कोई दुश्मनी चली आ रही है, ए और बी के बीच में पहले से ही मुकदमे वाली थी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फैक्ट है, फैक्ट जो है दो तरह के हो सकते हैं।